समय अपन परमाणु की संरचना के बारे में दो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, एक रदरफोर्ड का और एक थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप या थॉमसन का परमाणु सिद्धांत बोल सकते हैं। तो अपन आज पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत में थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है जी, तो थॉमसन के परमाणु सिद्धांत के बारे में अपन आज जानना शुरू करेंगे। ठीक है, तो थॉमसन के परमाणु सिद्धांत बोलता क्या है, देखिए परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, 10^-10 मीटर होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या टेन की माइनस पावर 10 इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, अपन एक परमाणु कंसीडर कर लेते हैं। अब इसकी त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, जो ये त्रिज्या बोलते हैं ना, तो ये त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 10^-10 मीटर होनी चाहिए। ठीक है जी, और इसमें कैसा आवेश होना चाहिए, तो धन आवेश होना चाहिए। यहाँ पे कैसा आवेश होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें धन आवेशित गोला होता है, यह धन आवेशित गोला होता है जिसमें परमाणु के द्रव्यमान और धन आवेश एक समान और विपरीत होता है। द्रव्यमान और धन आवेश, जैसे कि इसका जो मास रहेगा और वो मास रहेगा और धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्या रहेंगे, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे मतलब अपोजिट रहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये परमाणु है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे परमाणु है, तो अपना जो रहेगा धन आवेश, तो इस प्रकार धन आवेश रहेगा, तो इस प्रकार मास रहेगा, विपरीत रहेंगे मतलब एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। ठीक है जी, अगला देखते हैं, गोले के अंदर -e इलेक्ट्रॉन की जगह -2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार होते हैं कि जैसे तरबूज के बीज। अब जैसे कि माइनस इलेक्ट्रॉन की जगह प्लस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बोल रहे हैं ये जैसे कि एक गोला है, तो यहाँ पे ऐसे करके रहेंगे, तो ये जो प्लस बिंदी दिख रहा है इसमें क्या रहेंगे जी, तरबूज के बीज ऐसे रहते हैं ना, तो इसके जगह क्या रहेंगे, प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ बोलना चाहता है अगला पॉइंट। ठीक है, तीन पॉइंट हो गए अपने, मतलब इसको भी लिख देते हैं अपन तीसरा पॉइंट के नाम से, गोले के अंदर -e की जगह -2 उसी प्रकार विपरीत होता है ठीक है, जैसे तरबूज के बीज, ठीक है जी, तीन हो गए। अब चौथे के बारे में देखते हैं, तो चौथा क्या है, -e इलेक्ट्रॉन का कुल ऋण आवेश परमाणु के समस्त धन आवेश के बराबर होता है तथा परमाणु विद्युत उदासीन होती है। ठीक है, जैसे कि बोलने का मतलब है कि जैसे एक गोला है, मान लीजिए ऐसा गोला है, ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन के -e इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरफ प्लस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। और क्या होंगे, अगर दोनों एक समान होंगे तो न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गए ना, उदासीन होंगे। ठीक है, मतलब दोनों समान भी होंगे और उदासीन भी होंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, तो इसको आप लिख भी सकते हैं आखिरी पॉइंट इसमें। ठीक है, -e इलेक्ट्रॉन और +e इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं तथा यह
उदासीन होता है। ठीक है जी, फिर अगला को देखेंगे। अब इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे कि इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं अपन। ठीक है, इस परमाणु मॉडल को हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो इस प्रतिरूप की सहायता से तापनीय उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं आयनीकरण में सफलतापूर्वक व्याख्या किया जा सकता है। मतलब अपन डिराइव कर सकते हैं, डिराइव क्या कर सकते हैं, व्याख्या क्या क्या चीज की कर सकते हैं। तो पहला अपन कर सकते हैं तापनी उत्सर्जन। तापनी उत्सर्जन बोलने का मतलब क्या हो जाएगा जी, अपना सन हो जाएगा, मोम के जो लौ उड़ते हैं वो भी हो सकते हैं, टेम बोल सकता हूँ उसको, और क्या बोलते हैं, बल्ब बोल सकता हूँ। तापनी उत्सर्जन है, यही सब तो आते हैं ना। और दूसरा क्या बोला मैंने, फिर प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव के बारे में होगा। और तीसरा क्या होगा, प्रकाश में जो क्या होता है, विद्युत प्रभाव भी होते हैं। और तीसरा क्या होगा, आयनीकरण के बारे में होगा, आयनीकरण। ठीक है, सफलतापूर्वक व्याख्या किया जा सकता है। थॉमसन के इस प्रतिरूप को प्लाम पुंडिक प्रतिरूप भी कहते हैं। और इस प्रतिरूप जो है इसको क्या कहते हैं जी, प्लाम पुंडिक प्रतिरूप। ठीक है, और नाम है इसका ना, थॉमसन के उसका प्रतिरूप का। और अब इसमें दोष देखेंगे, तो दोष के बारे में समझेंगे, तो क्या क्या दोष होता है इसको भी समझते हैं अपन। तो पहला दोष होता है, इस प्रतिरूप की सहायता से संकीर्ण प्रकीर्ण प्रयोग में नहीं समझाया जा सकता है, संकीर्ण प्रकीर्ण से नहीं समझाया जा सकता है। इस प्रतिरूप की सहायता से परमाणु के स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या नहीं की जा सकती। बोलने का मतलब है कि जैसे कि एक प्रिज्म रहता है, तो प्रिज्म में हम लोग क्या करते हैं, एक संकीर्ण झिर्री से करते हैं, तो इसमें क्या होता है, पूरा ये अपना विचलन वगैरह करके यहाँ से निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो इसमें पाइप यूज कर रहे हैं यहाँ से लाने के लिए किरण, ऐसा प्रतिरूप से इसको नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, स्पेक्ट्रम के सहायता से भी इसको व्याख्या नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि यहाँ पे जो हो रहा है, तो अपन स्पेक्ट्रम का परिभाषा क्या होता है कि सूर्य के किसी प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से, किसी सूर्य के प्रकाश किरण को किसी संकीर्ण झिर्री से प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो अपने अवयवी रंग में विभक्त हो जाता है। अवयवी रंग कितने होते हैं, सात होते हैं। तो इस जो सात रंग बनता है इसको वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम जो होता है वर्णक्रम क्रम या स्पेक्ट्रम, इसके द्वारा भी नहीं समझाया जा सकता, ये दोष है इसमें। ठीक है, और अगर समझने की प्रयास करें, तो जैसे कि कोई भी एक संकीर्ण झिर्री है, ऐसे करके एक संकीर्ण झिर्री ले लेते हैं, तो इसमें से अगर कोई रे को गुजारा जाए, तो इससे इसके द्वारा भी इसको हम नहीं समझा सकते। देखिए, तापनीय उत्सर्जन है, तापनीय मतलब तापों से उत्सर्जन होता है, तो वैसे उत्सर्जन को क्या अपन समझा सकते हैं जी, हाँ नहीं समझा सकते ना। ठीक है, तो फिर इस प्रकार के इसमें दोष पाए जाते हैं। अगर इसको राइटिंग करके लिखना चाहें तो इसको हम लिखवा भी देते हैं आप लोग को। देखिए, इस प्रतिरूप की सहायता से संकीर्ण प्रकीर्ण प्रयोग में नहीं समझाया जा सकता, इस प्रतिरूप की सहायता
से परमाणु के स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है जी।